मोड आपका स्टार्ट हो गया, ये देखिए। अगर हम वन टाइम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए मिल जाएगा, बाकी आपका पासपोर्ट जो भी चीज़ रहेगा आप यहाँ पे अपना सेट किए रहेंगे उससे खोल देंगे। ये देखिए खुल गए, ऊपर आपको बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाएगा। इसमें चार मोड आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए कौन कौन सा, इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड और हाइपर मोड। इसमें कितनी गाड़ी कितनी चलेगी 54% के हिसाब से ये गाड़ी कितनी चलने वाली है सारा कुछ इसमें दे रखा है। अभी जो आपको सामने गाड़ी दिख रही है ये है ओला की S1 Pro खाकी कलर। इससे पहले मैं इसके गाड़ी का वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये मेरा वीडियो जो होने वाला है मेरे कुछ सब्सक्राइबर को डेडिकेटेड होने वाला है। उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए थे इसके डाउन पेमेंट प्राइसिंग को लेकर और इसके कनेक्टिविटी को लेकर, स्क्रीन पर उन लोगों का स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा, तो उन्हीं का जो डाउट था उस डाउट को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। इससे पहले अगर इसके बारे में फुल डिटेल चाहिए तो आप मेरे पुराने वाले वीडियो में देख सकते हैं। जो आपको सामने दिख रहे हैं भैया सेंटर मैनेजर, इनसे जो हमारे डाउट है सारा कुछ हम इनसे पूछने वाले हैं। तो भैया सबसे पहले क्वेश्चन मेरे सब्सक्राइबर का ये है कि इसमें लो से लो डाउन पेमेंट कितना हो जाता है? ये लो से लो डाउन पेमेंट अभी मैं टॉप मॉडल के बता दे रहा हूं। अच्छा, इसका जो अभी कंपनी का ऑफर चल रहा है, टॉप मॉडल कौन सा? S1 Pro है टॉप। इसका ऑन रोड प्राइस 1,039,402। अच्छा, और इसका जो मिनिमम डाउन पेमेंट मैं बता दे रहा हूँ 22,000 से 23,000। अच्छा, और 36 मंथ का मैं बता दे रहा हूँ आपको, लगभग 4,000 रुपीज़ की ईएमआई मिल जाएगी। और मिनिमम कोई जरूरत नहीं है GST की, जरूरत नहीं, केवल बैंक पासबुक अकाउंट होना चाहिए किसी भी बैंक में, उसके बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड। और एक और चीज़ था कि जो मतलब ऑनलाइन दिखाता है इस पर प्राइस जो दिखाता है वही प्राइस यहाँ भी मिलेगा? बस जो ऑनलाइन दिखाएगा सेम हम भी वही करेंगे, कोई अलग नहीं है। बस ओला का प्रोसीजर यही है कि आप खुद कर लीजिए या एक्सपीरियंस सेंटर पे आ जाइए, हम वही प्रोसीजर आपको करके दिखा देंगे, कोई रेट में डिफरेंस 1 रुपये का नहीं। अच्छा बताइए, जैसे कि 1,39,000 जो बता रहे हो उसमें RTO चार्ज वगैरह सारा कुछ है, बिल्कुल ऑन रोड प्राइस है? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ ऑन रोड है, RTO फ्री है यूपी में। अच्छा, 300 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, बाकी RTO फ्री है। बीमा का लगता है 5 साल का, 1 साल होल पार्टी और 4 साल थर्ड पार्टी। अगर आपसे कोई गाड़ी लेना चाहता है तो आपके सेंटर पे आके ले सकता है? अगर आ जाते हैं तो हमारे सेंटर पे डिलीवरी फ्री है। अच्छा, उनका 1,000 रुपये बच जाएगा। अगर वो अपने घर पे डिलीवरी कराते हैं तो 999 रुपीज़ उनका लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज। अपने सेंटर के बारे में बताइए, एड्रेस बता दीजिए यहाँ का। अभी देखिए हमारा सेंटर ये जो है देवरिया में आपके भटवरिया चौराहे पे, अभी जस्ट ही आज इसका स्टोर का ऑफलाइन ओपनिंग था, ऑनलाइन तो ये लगभग 26 से ही ओपन हो चुका है। और अभी तक लगभग 3-4 गाड़ियाँ डिलीवर हो चुकी हैं, लगभग 4-5 गाड़ियाँ बुक भी हो चुकी हैं, आज भी 2 गाड़ी बुक हुई। और ये भटवरिया चौराहे पे आपके एक्सिस बैंक के अपोजिट में जस्ट खुला हुआ है, ऊपर ओरिएंट के शॉप है और नीचे हमारा ओला का स्टोर खुला हुआ है। लिथियम ऑयल की इसमें बैटरी लगी हुई है, 2 वाट लिथियम ऑयल की बैटरी लगी हुई है। और पूरा जो ये प्रोसीजर है आप नेट पे भी देख सकते हैं, एक सेल के थ्रू लगा हुआ है, मतलब कि ये बैटरी ऐसी है जो IP67 से टेस्टेड है, वाटर प्रूफिंग है, डस्ट प्रूफ है, कोई भी अगर गड्ढा वड्ढा आता है सब प्रूफ टेस्ट करके रखा गया है। पूरी फुल गाड़ी को आप पानी में चलाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कभी कोई ऐसे जगह पर पड़ जाते हैं आप गड्ढे में या फिर पहाड़ों पर चढ़ाना है चलाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी बैटरी जो है वो फिक्स है, रिमूवल नहीं है। 3 साल की कंपनी फुल वारंटी देती है, 60,000 किलोमीटर तक। अगर आप चाहते हैं कि 2 साल तक इसको एक्सटेंड करवा लें तो कुछ नॉमिनल चार्जेज होते हैं जो एक्सटेंडेड वारंटी के हमारे एप्लीकेशन पे शो करता है, उसको आप पे करके और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। पूरा आपको 5 साल की फुल वारंटी रहती है। कंपनी ये कहती है कि अगर नॉमिनल आप एक दिन में कम से कम 5 घंटे चार्ज करते हैं, महीने में 20 बार चार्ज करते हैं, तो 7-8 साल इस बैटरी में कोई फॉल्ट आनी ही नहीं है। एकदम से समझिए कि 5 साल में 2 गाड़ी फ्री हो जाएगी इसके साथ। अगर डेली का 100 रुपीज अगर हम पेट्रोल का जोड़ते हैं तो 5 साल में 2 गाड़ी फ्री हो जाएगी इसके साथ। इसका जो बैटरी का सेटअप है इसकी यहाँ इसके नीचे पैर के नीचे लगाएगी बैटरी की सेटअप है, ये बनाना शेप में पड़ा हुआ है ये। अच्छा, ये बनाना शेप है, इसमें सेल टाइप का लगा हुआ है, लिथियम आयन की पूरी सेटिंग है और इस पे आप दोनों साइड पैर रख सकते हैं, बीच में भी पैर रखेंगे सामान रखेंगे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि डिसबैलेंस नहीं होगा ना, तो रिन्यूएबल बैटरी भी नहीं है इसकी डिसबैलेंस हो, या फिर पानी में भी ये पूरा पोर्शन अगर डुबो देते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिंगल थर्मल फॉल्ट हो जाए या फिर कोई तो ऐसी चीज हो जाए जिससे कि फॉल्ट हो जाए गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ टेस्टेड है। इंडिया की जो सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो भी ये पास कर चुका है। अच्छा, कहीं कोई फॉल्ट नहीं आया। मैं ओवरऑल ऊपर से कुछ कुछ चीजें आपको बता दे रहा हूँ, ओवरऑल आपको देखने को मिल जाएगा, साथ में फुल LED में लो बीम और हाई बीम के साथ ही ये देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे नीचे ओला देखने को मिल जाएगा और सब जो भी चीजें होने वाली है फुल LED में होने वाली है। अगर यहाँ पे देखने मतलब बिल्कुल स्टाइलिश न्यू जनरेशन टाइप की इसको सेटअप देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो है आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिल, इंडिकेटर जला के दिखा देता हूँ, अगर इसको ऐसे प्रेस करेंगे
इसके टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो 12 इंच का इसमें आपको टायर देखने को मिल जाएगा, जो इसमें फुल इसमें डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगा। 12 इंच का इसमें आपको टायर प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा, साथ ट्यूबलेस टायर है ये। और अगर साइड प्रोफाइल की बात करें आप देखेंगे यहाँ पे आपको फ्रीडम एडिशन देखने को मिल जाएगा, वही पीछे सा पीछे आपको वही चीज़ देखेंगे तो पीछे आपको फुली LED में ही आपको बैकलैम्प देखने को मिल जाएगा, साथ में आपको 12 इंच का यह ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क ब्रेक के साथ ही। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ इसलिए मैं आपको ज़्यादा ओवरऑल ऊपर की चीज़ें बता दे रहा हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, 36 लीटर का बूट स्पेस आपको अंदर इसमें देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आप इसको टच करेंगे तो इसका बूट खुल जाएगा, ये देखिए चार्जर वगैरह इसमें सारा कुछ पड़ा हुआ है, 36 लीटर का ये बूट स्पेस आता है। 7 इंच का TFT डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं फुली मोबाइल से ही आपको कंट्रोल होने वाली हैं। आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि हमारी ये गाड़ी है लॉक है, अगर हम 1 टाइम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। बाकी आपका पासपोर्ट जो भी चीज़ रहेगा आप यहाँ पे अपना सेट किए रहेंगे उससे खोल देंगे, ये देखिए खुल गई। और जो हमारी गाड़ी अभी लॉक थी वो गाड़ी हमारी खुल चुकी है। और मैं इस कनेक्टिविटी की बात करूँ तो इसमें आपको देखेंगे कि यहाँ पे अगर बूट खोलने के लिए यहाँ पे दे रखा है, स्टैंड जो है उसका सिंबल दे रखा है, और यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे रखा है, और यहाँ पे P लिखा है, P मीन्स पार्किंग हो गया। अभी यहाँ पे किलोमीटर आपको दिखा रहा होगा जो भी किलोमीटर है, आप साथ में आपको गाने वगैरह चीज़ें भी इसमें बता सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी दिखा रखता है। अगर इसको एक बार और इसे करेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पे मतलब इसमें दो चीज़ें आप देखेंगे, पार्टी मार्शअप यानी कि आप गाना वगैरह भी इसमें चीज़ें चला सकते हैं, पार्टी मोड भी इस गाड़ी के अंदर, वो भी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कैसे स्पॉन करते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे मैप वगैरह सिस्टम दे रखा है, मतलब मैप का भी है, इसमें स्प्लिट हो जाता है स्क्रीन, आपको इधर मैप दिखने लगेगा इधर गाना वगैरह चीज़ें दिखने लगा। साथ में यहाँ पे सेटिंग वगैरह कुछ दे रखा है, साउंड सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग, ये सब चीज़ें दे रखा है। आप देखेंगे यहाँ नीचे टाइमिंग भी दिखा रहा है, ऊपर आपको बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाएगा। इसमें 4 मोड आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए कौन कौन सा, इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड और हाइपर मोड। इसमें कितनी गाड़ी कितनी चलेगी 54% के हिसाब से ये गाड़ी कितनी चलने वाली है सारा कुछ इसमें दे रखा है। अगर 54% आप इको मोड में चलाएंगे तो 92 किलोमीटर जाएगा, नॉर्मल मोड में 76, स्पोर्ट्स मोड में चलाएंगे 68 किलोमीटर जाएगा, और हाइपर मोड में चलाएंगे 56 किलोमीटर जाएगा। 116 के टॉप स्पीड में ये गाड़ी चल सकती है, जो कि गाड़ी भी चलती भी है, लोग यहाँ पे टेस्टेड भी किए। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे यहाँ पे आपको डिस्टेंस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड, टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे अगर कॉल सर्विस सपोर्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे नंबर वगैरह देखने को, यहाँ पे देखिए गाड़ी पार्कड है, जो सब सारी चीज़ें दे रखा है, और कितनी चल चुकी है अभी गाड़ी ये टेस्ट करने वाली है, 76 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाया गया। अगर आप गाना वगैरह कुछ भी चीज़ें सुन रहे हैं तो यहाँ वॉल्यूम कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं, यहाँ पे पॉज करने वाला सिस्टम दे रखा है। बाकी इसका बहुत सारी यूजेज है। अगर हम इसकी पार्टी मोड की बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे प्ले पॉज का बटन दे रखा है, उसके जस्ट ऊपर ही यहाँ पे आपको यहाँ पे पार्टी मोड का सिंबल दे रखा है। अगर इसको ऐसे हम टच करते हैं तो आप देखिए पार्टी मोड आपका स्टार्ट हो गया, ये देखिए। तो यहाँ पे हमें चार्जिंग का सेटअप भी दिखा दो कैसे ये गाड़ी चार्ज होती है। ये जो चार्जर दिख रहा है ये कितने एम्पियर का भैया? 16 एम्पियर का है और 750 वाट का है। 16 एम्पियर 750 वाट का, इसको चार्ज में कहाँ लगाया जाता है मैं चीज़ आपको दिखा दे रहा हूँ। इसका चार्जर यहाँ पे, चार्जर पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको एक बार प्रेस करना है ये ओपन हो जाएगा। जस्ट ओपन होने के बाद इसको हमें ओपन कर लेना है, इसका कवर को रिमूव कर लेना है, उसके बाद से हमें इसको ऐसे करके फिर इसमें हमको लगा देना है, ये ऑटो फिट हो जाएगा और ये चार्जिंग यहाँ पे शो करेगा आपका लगने के बाद। तो भैया कितने देर में चार्ज कर देती है गाड़ी को? ये 5 से 6 घंटे में गाड़ी को फुल चार्ज कर देगी। और एक बार चार्ज होने में कितने दूर गाड़ी जाएगी? एक बार इस गाड़ी को चार्ज कर लेते हैं तो कंपनी की सर्टिफाइड रेंज देती है 181 किलोमीटर, जो कि इको मोड में हम चलते हैं तो हमें ये रेंज मिल जाएगा। यहाँ पर आपको चार्जर का सेटअप देख रहे होंगे, ये चार्जर है इसका, 16 एम्पियर का चार्जर होने वाला है। ये जो है देवरिया में आपके भटवरिया चौराहे पे, अभी जस्ट भी आज इसका स्टोर का ऑफलाइन ओपनिंग था, ऑनलाइन तो ये लगभग 26 से ही ओपन हो चुका है, और अभी तक लगभग 3-4 गाड़ियाँ डिलीवर हो चुकी हैं, लगभग 4-5 गाड़ियाँ बुक हो चुकी हैं, आज भी 2 गाड़ी बुक। और ये भटवरिया चौराहे पे आपके एक्सिस बैंक के अपोजिट में जस्ट खुला हुआ है, ऊपर ओरिएंट के शॉप है और नीचे हमारा ओला का स्टोर खुला हुआ है।